भारत के कट्टर मुल्लाओं को ऑस्ट्रेलियाई इमाम की चेतावनी। भारत आया तो इमरजेंसी छुट्टी पर मक्का चले जाएंगे कट्टर मुल्ला। अपने बयानों को लेकर अक्सर मुस्लिम इमामों के निशाने पर रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के इमाम मोहम्मद ताहिदी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हालांकि इस बार वो अपने ट्वीट्स को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं। दरअसल कट्टर इस्लाम के खिलाफ अभियान चलाने वाले मोहम्मद ताहिदी एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। अपने इन ट्वीट्स के जरिए उन्होंने न सिर्फ भारत आने की इच्छा जाहिर की है, वहीं कुछ ऐसा भी लिखा है जिससे कट्टर मुल्ला मुस्लिम तिलमिला सकते हैं। सोमवार को अपने पहले ट्वीट में ताहिदी ने लिखा, क्या भारत के लोग मुझे जानते हैं? अगर मेरा ये ट्वीट जनवरी से पहले 10,000 बार रीट्वीट हो गया तो 2018 में मैं भारत आऊंगा। कुछ मिनट बाद ही ताहिदी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, अगर मैं भारत आया तो वहां के कट्टरवादी मुल्लाओं को इमरजेंसी छुट्टी पर मक्का जाना पड़ जाएगा। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में इमाम ताहिदी नाम का एक फाउंडेशन है जिसके प्रमुख इमाम ताहिदी ही हैं। वो इस्लाम पर उपदेश देने के लिए दुनिया भर में भ्रमण करते रहते हैं। ताहिदी अपने बयानों को लेकर खासकर आतंकी हमलों के लिए इमामों को जिम्मेदार ठहराने को लेकर अक्सर मुस्लिम इमामों के निशाने पर रहते हैं। साथ ही वो ताहिदी शरिया कानून का भी खुलकर मुखालफत करते रहे हैं। ताहिदी मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहने जाने पर भी आलोचना कर चुके हैं। इसको लेकर उन पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हमला भी हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो मुस्लिम युवकों ने उनकी कार का दरवाजा खोलकर उन्हें कई घूंसे मारे, जिसके बाद ताहिदी ये कहने से भी नहीं चूके थे कि ऑस्ट्रेलिया धार्मिक कट्टरवादियों का स्वर्ग बनता जा रहा है। जाहिर है ताहिदी का ये बयान भारत के कट्टर मुल्लाओं को नागवार गुजर सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।